काली मई। महात्म्य माला में आज नवरात्र के छठे दिन मैं जितेंद्र राजपुरोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने भगवती के पांच स्वरूपों की चर्चा की। आज जो माँ भगवती का कात्यायनी नाम का जो छठा स्वरूप है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनके महात्मा को जानेंगे। उनका जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है, चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। अर्थात चंद्रहास उज्ज्वल करा, माँ भगवती का जो मुख है वो चंद्र की रोशनी के समान है, चांदनी के समान है, उनकी कांति से युक्त है। तो चंद्रहास उज्ज्वल करा, माँ भगवती के जो दो हाथ है वो बहुत ही उज्ज्वल है। तथा शार्दूल वरवाहना, माँ भगवती कात्यायनी शार्दूल सिंहों के ऊपर विराजमान है, कात्यायनी शुभम दद्यात्, ऐसी माँ कात्यायनी जिनका मुख चंद्रमा के समान तेजस्वी है, दोनों हाथ चंद्रमा के समान गौर वर्णक है, तथा जो माँ सिंहों के ऊपर विराजमान है, शार्दूल के ऊपर विराजमान है, वो माँ भगवती माँ जगदम्बिका कात्यायनी मेरा अच्छा करे, तथा वही देवी दानव घातिनी और वही माँ कात्यायनी दानवों को नाश देने वाली है, दानवों का विनाश करने वाली है। माँ भगवती कात्यायनी की आराधना करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम देवी कात्यायन्यै नमः, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का सदैव जाप करते रहे, पूरे दिन अच्छे से जाप करें, तथा शाम को पूजन अर्चन करके अपने को खुद को कृत्यार्थ करें। तथा ये जो कात्यायनी देवी है इसका पुष्टि मार्ग में भी बहुत महात्म्य है, क्योंकि इसे भगवान कृष्ण की बहन मानी गई है, तथा कात्यायनी भगवान कृष्ण की बहन होने से और भी प्रमुखता दी गई है। आइए कात्यायनी देवी का पूजन करें, अर्चन करें, श्लोक को समझें, महात्म्य को समझें। कल हम आपके सामने उस माता का सप्तम स्वरूप है उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक पूजन करते रहिए, जप करते रहिए। ओम जगदम्बिकायै नमः।